हेलो फ्रेंड्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक शॉक से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रिक शॉक मतलब जब भी किसी लाइव वायर को हम छूते हैं तो उस समय हमारे बॉडी से करंट फ्लो होता है और शॉक लगता है। तो ऐसा क्यों होता है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे घर में जो लाइन आती है वो सिंगल फेज़ की होती है या तो फिर थ्री फेज़ की होती है। तो वो कैसे आती है हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे एरिया में कुछ ट्रांसफार्मर लगा होता है जहाँ से पूरे एरिया को सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर में सबसे पहले थ्री फेज़ 11 KV का सप्लाई इनपुट हुआ, मतलब आर वाई बी का सप्लाई यहाँ पे इनपुट दिया। ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर को इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया ट्रांसफार्मर। तो इसका जो आउटपुट होगा है ना, तो ये हमारा स्टेप डाउन करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगा हुआ ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन मतलब 11 KV मतलब 11,000 वोल्ट का वोल्टेज को कम करके ये 440 वोल्ट में करता है थ्री फेज़। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें थ्री फेज़ मिल गया है ना। लेकिन इसी टर्म में यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि ट्रांसफार्मर में कुछ कनेक्शन होते हैं, जैसे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन है ना। तो इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम हमेशा यूज़ करते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन। अब ये डेल्टा स्टार कनेक्शन हम यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जो 11 KV यहाँ पे हमारी आई थी, हम यहाँ पे देखते हैं डिटेल से। ये डेल्टा वाइंडिंग और ये हमारी स्टार वाइंडिंग। तो थ्री फेज का यहाँ पे हमें इस तरह से इनपुट मिला था और यहाँ से जो है हमने आउटपुट लिया था, मतलब ये हमारा आर वाई बी था 11 KV का। तो ये हमारा था आर वाई बी 440 वोल्ट का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं था है ना। लेकिन जब हम आउटपुट को आते हैं, स्टेप सप्लाई स्टेप डाउन करते हैं, तो हमारी वाइंडिंग जो थी ये स्टार वाइंडिंग थी। तो स्टार वाइंडिंग में सब पॉइंट एक जगह पे कनेक्ट किए थे और वहाँ से हमारा जो पॉइंट निकलता है वो हमारा हो जाता है न्यूट्रल। तो इसीलिए ये सिस्टम को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं थ्री फेज फोर वायर है ना, मतलब थ्री फेज है और एक जो वायर है वो न्यूट्रल का है। यहाँ तक हम सबको पता ही है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसको आगे हम किस तरह से लेके जाते हैं। जैसे हमने इसको आगे लेके गए, ये थ्री फेज़ हो गए हमारे और ये जो एक फेज़ था, सॉरी ये जो था एक न्यूट्रल था, मतलब ये हमारा अब आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया और ये हमारा एक न्यूट्रल। अब क्या करते हैं, हमने देखा था कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर था, ये ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा स्टार में कनेक्ट था, 11 KV का सप्लाई दिया, उसको स्टेप डाउन किया, 440 वोल्ट मिला। लेकिन थ्री फेज इनपुट हुआ, चार वायर हमको यहाँ पे मिले। तो वो क्यों मिले, क्योंकि उसकी आउटपुट की जो वाइंडिंग थी वो हमारी स्टार की थी। तो वहाँ से हमें एक पॉइंट मिला, वो था न्यूट्रल वायर। अब आगे हम देखते हैं, इस तरह से था। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ से जो स्टार से हम एक वायर निकालते हैं तो वो हमारा हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, अब इसी तरह से ये केबल आगे जाएंगे, ये केबल इसी तरह से आगे जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ पोल लगाएंगे, यहाँ पे सपोज हमने कंसीडर किया एक पोल लगाया, फिर आगे आए, ये हमारा न्यूट्रल। इस तरह से यहाँ पे एक पोल लगाया। अगर यहाँ पे एक हाउस है, इसको सिंगल फेज चाहिए, तो हमने एक फेज दिया और साथ में एक न्यूट्रल दिया, इस तरह से करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारा सिंगल फेज का कंज्यूमर है, सिंगल फेज का कंज्यूमर है और एक हमारा यहाँ पे
थ्री फेज का कंज्यूमर है, तो हम क्या करते हैं उस समय इसका जो है तीनों फेज इसको दे देते हैं इस तरह से, एक सॉरी ये एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया और ये तीसरा फेज हो गया, मतलब तीनों से हमने यहाँ से टैपिंग करके थ्री फेज कंज्यूमर को तीनों फेज दे दिया और साथ में जो था वो एक न्यूट्रल भी दे दिया। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो न्यूट्रल वायर हम स्टार पॉइंट से निकालते हैं और हर पोल के पास जाता है तो हम उसको वहाँ पे ग्राउंड करते हैं हर न्यूट्रल वायर को। अगर यहाँ पे एक पोल लगाया हुआ है तो इसको भी हम यहाँ पे ग्राउंड करते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है वो हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सिंगल फेज का कंज्यूमर है तो आर वाई बी में से कोई भी एक फेज लेंगे और इसको एनर्जी मीटर से कनेक्ट करेंगे। बाद में न्यूट्रल है तो एक न्यूट्रल लेंगे, वो भी एनर्जी मीटर में दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिस्टम रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लिया था कि ये हमारा एक सिंगल फेज का कंज्यूमर है तो सिंगल फेज को ही हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी मीटर था लगा हुआ, तो एनर्जी मीटर को इस तरह से हमने फेज और न्यूट्रल दिए और आउटपुट में हमने घर का जो लोड था वो लोड लगा दिया। ठीक है, तो इस चीज़ करते समय हमारा पॉइंट था कि शॉक क्यों लगता है, कैसे लगता है। ठीक है, यहाँ तक सिस्टम समझना ज़रूरी था, अब हम यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे हम घर में एक अर्थिंग करते हैं, है ना, तो अब हम ये मान सकते हैं कि ये न्यूट्रल तो हम ग्राउंड कर ही रहे हैं, न्यूट्रल तो हम ग्राउंड कर ही रहे हैं, तो वो भी हम अर्थिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा अर्थिंग का खर्चा बच जाएगा, है ना, हम इस तरह से सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है हम आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ से हम एक अर्थिंग करते हैं और वो अब हम यहाँ पे एक कैसे हो गया, अर्थिंग करने के बाद एक हमारे पास अभी फेज मिल गया, एक हमारे पास न्यूट्रल मिल गया और एक अर्थ मिल गया, ऐसे तीन वायर अभी हमारे पास हो गए, है ना, तीन वायर हो गए, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे एक हमारा सॉकेट है, है ना, तो इसको हम फेज कंसीडर करते हैं, इसको न्यूट्रल कंसीडर करते हैं और इसको अर्थ कंसीडर करते हैं, इस तरह से हमारा सॉकेट का डिज़ाइन रहता है। तो एक बात यहाँ पे समझिए कि ये जो अर्थ का पॉइंट ये हमेशा जाड़ा होता है ना, तो वो क्यों जाड़ा होता है वो भी हम देखते हैं, मतलब इसका जो होल है वो ज़्यादा बड़ा होता है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसका कनेक्शन था। तो आगे हम देखते हैं कि ये केबल फिर आगे जाएगा इस तरह से, इस तरह से आगे गया दूसरी एरिया में, एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये हमारा हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल का हम लाइट लाइन से दिखाते हैं। तो जिस तरह से अभी एक घर मान लेते हैं हम, ये एक घर है, हाँ, यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा हुआ है और ये सिंगल फेज कंज्यूमर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल यहाँ पे देंगे और एक फेज यहाँ पे देंगे, जैसे हमारा आर वाई बी और न्यूट्रल था, तो उसमें से हमने बी फेज दिया और न्यूट्रल दिया और यहाँ पे एक पोल था, ठीक है, तो पोल को हमने क्या किया था, न्यूट्रल, है ना। तो इसी तरह से अब हमने इसका जो एनर्जी मीटर का आउटपुट था वो लगाया लोड को, लोड दिया, है ना। तो अब हम मान लेते हैं लोड को कि यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फेज दिया एक न्यूट्रल दिया, है ना। तो प्रेस करते समय अब हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेस करते समय अगर इस लोड का कुछ फेज बॉडी को टच है, इस फेज का जो हमने इनपुट दिया था उसमें का एक फेज हमें बॉडी में टच है, तो क्या होगा, हमारा करंट जो है, करंट की प्रॉपर्टी है कि
जो भी करंट है वो करंट सबसे पहले जहाँ से उसको फ्लो होने के लिए जगह मिलेगी वहाँ से वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। तो उसी तरह से जब हमारा हाथ इस बॉडी को लगेगा तो ये क्या होगा, हम यहाँ पे ग्राउंड पे है तो ये हमारे बॉडी से ग्राउंड हो जाएगा, है ना, और हमें करंट लगेगा क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, एक कंडक्टर है, वो एक कंडक्टर है। ठीक है, तो अब हम दूसरी केस मान लेते हैं कि हमें यहाँ से न्यूट्रल लाया था, है ना, न्यूट्रल हमने यहाँ पे ग्राउंड लिया। अगर हम अर्थिंग नहीं करते हैं तो किस तरह से हमें शॉक लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे न्यूट्रल लिया था, न्यूट्रल यहाँ से देखेंगे, न्यूट्रल तो यहाँ पे ग्राउंड है, फिर ग्राउंड है तो यहाँ पे हमें शॉक लगना नहीं चाहिए। फिर शॉक क्यों लग रहा है, तो देखिए यहाँ से जो केबल की लेंथ है वो ज़्यादा है, तो करंट हमने अभी देखा था कि करंट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सबसे पहले जहाँ पे उसको जगह मिलेगी वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो न्यूट्रल से करंट यहाँ से रिटर्न होने के लिए बाद में ग्राउंड में जाएगा तो इसके लिए टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हमारा हाथ यहाँ पे लगता है तो करंट डायरेक्टली इस तरह से डिस्चार्ज हो सकता है। अगर इस तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो हमारे बॉडी में से करंट जाएगा, बॉडी में से करंट जाएगा तो हमें कुछ जलन महसूस होगी, जलन महसूस होगी, उसी के साथ जो हमारा हार्ट है, दिल है, तो वो काम करना बंद करेगा क्योंकि उसकी जो इंटरनल मसल्स है वो सिकुड़ जाएंगी, उसकी वजह से हमारा दिल जो है वो काम करना बंद कर देगा, उसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि करंट हमारे शरीर से फ्लो होगा तो पूरे जो मसल्स है वो सिकुड़ लेंगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है, तो इस तरह से अगर हम शॉक लगता है तो इससे जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमारे इलेक्ट्रिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम प्रिकॉशन किस तरह से लेंगे, है ना। हम यहाँ पे इसीलिए घर में, हर घर में क्या करते हैं, एक अर्थिंग लगाते हैं, इस तरह से अर्थिंग लगाते हैं। यहाँ पे एक अलग डायग्राम बनाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हमने देखा था ये तीन फेस थे हमारे, उसमें से एक ये हमारा पोल था, है ना, पोल में से हमने जंप करके सिंगल फेस सप्लाई यहाँ से लिया था, यह हमारा सिंगल फेस सप्लाई था और वो एनर्जी मीटर में दिया था और वहाँ से हम लोड अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी अर्थिंग नहीं की, ठीक है, अर्थिंग नहीं की, हम यहाँ पे सप्लाई दे दिया, इसमें से एक फेस जो है वो बॉडी को टच है, तो जैसे ही हमारा हाथ बॉडी को लगता है तो करंट क्या करेगा, हमने देखा था करंट की प्रॉपर्टी की, जिसको जहाँ से फ्लो होने के लिए कम से कम डिस्टेंस रहेगा वहाँ से वो फ्लो होगा, मतलब जहाँ से उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा वहाँ से वो फ्लो होगा, है ना। तो यहाँ से न्यूट्रल से अगर वो डिस्चार्ज होकर ज़मीन में जाएगा तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमारे माध्यम से ये जो फेज है वो न्यूट्रल से होके सीधा बॉडी से ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी वजह से हमें शॉक लगेगा, है ना। अब हम देखते हैं करंट क्या बोलता है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ से वो जल्दी फ्लो हो जाएगा, है ना। अब ये केबल का डिस्टेंस ज़्यादा है, लेंथ बड़ी, मतलब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा। यहाँ पे एक फार्मूला हम देखते हैं, उससे हमारा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा। R इक्वल टू L बाय A, ये हमारा एक प्रॉपर फार्मूला है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये लेंथ और ये एरिया, है ना। तो इसी तरह से इसको हम, ये क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जैसे लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, है ना। तो यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ बढ़ी, मतलब करंट को यहाँ से रिटर्न होके
न्यूट्रल से जाएगा, न्यूट्रल से फिर ज़मीन में डिस्चार्ज होगा, मतलब यहाँ से टाइम लगेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अर्थिंग देते हैं इस तरह से, एक स्ट्रांग अर्थिंग घर में देते हैं, है ना। और एक अर्थिंग हम जब सॉकेट से होके इस तरह से जाएगा, है ना, ये फेस न्यूट्रल और अर्थ इस तरह से हम बॉडी को टच करेंगे, बॉडी को सप्लाई देंगे, है ना। मतलब अब क्या होगा, हमारा जो ये अर्थ पॉइंट है, ये अर्थ पॉइंट इस यहाँ से टच रहेगा, मतलब जो भी हमारा फेस अगर बॉडी को टच है तो इसका जो एक्स्ट्रा का करंट है वो अर्थिंग के माध्यम से डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। क्योंकि अर्थिंग का केबल जो है वो नज़दीक है और उसका गेज जो है वो बड़ा है ना। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा लीकेज करंट है वो अर्थिंग से होके डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी हमने बोला था कि ये जो सॉकेट है इसका जो अर्थ पॉइंट है ये बड़ा क्यों होता है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये हमारा फेस था, ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा अर्थ। तो करंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो भी करंट है उसको जहाँ से जल्दी जाने के लिए रास्ता मिलेगा वहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब जहाँ से कम उसको विरोध हो, कम से कम उसको रजिस्ट करे, है ना। तो यहाँ पे एरिया बढ़ गया, है ना, एरिया अगर बढ़ गया तो रजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, रजिस्टेंस कम हो गया मतलब करंट को अपोज करने वाला कम हो गया, तो वहाँ से जल्दी लीकेज करंट फ्लो हो जाएगा। इसलिए हम जो अर्थिंग का पॉइंट रहता है वो हमेशा बड़ा रखते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ गए होंगे, है ना। तो जो भी यहाँ पे प्रेस का लीकेज करंट है, अगर हमने अर्थिंग नहीं दिया था तो वो न्यूट्रल से होके यहाँ से जाएगा तो टाइम लगेगा, इसके वजह से वो हमारे बॉडी से ही बॉडी से ही करंट जाएगा, इसके वजह से हमें शॉक लगेगा, है ना। अब हमने क्या किया, घर में एक अर्थिंग दी, अर्थिंग दी उसका पॉइंट यहाँ से टच किया, तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, ये अर्थिंग के कंपैरिजन में हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी अपोज करेगी करंट को, है ना। बॉडी करंट को अपोज करेगी तो करंट क्या करेगा, जो भी लीकेज करंट है वो अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन में डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे हमारी जो हानि है, मतलब जो शॉक लगने से जो हमारी कंडीशन है वो बच जाएगी, इससे हमारी जान भी बच सकती है। इसलिए हमारे घर में जो अर्थिंग का महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा हमारा कि जो भी हम घर में फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम घर में फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रेटिंग है, उसकी जो रेटिंग है वो चेक करें, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में जो भी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो भी मटेरियल रहेगा या फिर इक्विपमेंट्स रहेंगे या फिर मटेरियल रहेगा उसकी हालत ठीक रहे, जो भी टूटे फूटे हमारे स्विच लगे हुए हैं घर में तो उसको तुरंत चेक करें, चेंज करें, जो भी टूटे फूटे सॉकेट हो, स्विच हो, सीलिंग रोड हो, कुछ भी रहे तो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आएगा हमारा, जो भी टूटे स्विच प्लग सॉकेट उसको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे शॉक लगने से लगने के चांसेस रहते हैं। इस तरह से हम कुछ प्रिकॉशन अगर ले तो हमें शॉक लगने से बच सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि शॉक मतलब क्या होता है ना। तो एक बार और देखते हैं, शॉक मतलब जो भी करंट हमारे बॉडी से फ्लो होगा, जो भी करंट हमारे बॉडी से फ्लो होगा
तो उसके वजह से जो भी परिणाम होगा, जो भी इफेक्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं शॉक। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि शॉक से बचने के उपाय, मतलब शॉक किस तरह से बच सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था अर्थिंग, है ना, मतलब अर्थिंग जो है वो करते हैं हम GI वायर से, है ना। तो वो R इक्वल टू रो L बाय A के हिसाब से रहेगा। हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस GI केबल से ज़्यादा रहेगा, इसके वजह से जो भी लीकेज करंट है वो अर्थ से फ्लो होगा। यही इसमें बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, सो ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।